दोस्तों, इन दिनों पवन सिंह के एक गाने की बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है, जिस गाने का नाम है काला ओढ़नी। हालांकि अभी तक ये गाना रिलीज भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी मार्केट में इसकी चर्चाएं इतनी ज्यादा हो रही हैं। तो क्यों इस गाने की इतनी चर्चाएं हो रही हैं, क्या खास इस गाने में, और ये गाना कब तक आप लोगों को सुनने को मिलेगा, सारा कुछ जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग जानिए कि ये गाना एक स्पेशल सॉन्ग होने वाला है। क्यों स्पेशल होगा? क्योंकि दोस्तों, इस गाने में सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक विलन भी नजर आने वाले हैं, जिनका नाम है विकास मेहता। ये साउथ और बॉलीवुड के काफी अच्छे विलन माने जाते हैं, कई सारी फिल्मों में इन्होंने काम भी किया है, तो काफी अच्छे विलेन हैं। इसी के साथ इस गाने में 3 दिन की मेहनत लगाई गई है, मतलब गाने की पूरी शूटिंग 3 दिन में कंप्लीट की गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब किसी गाने में 3 दिन की मेहनत लगी हो तो भाई गाना खास बन ही जाना है, क्योंकि समय कोई चीज पे लगता है तो प्रोडक्ट बेस्ट होता ही है। साथ ही दोस्तों, गाने की बजट की बात करें तो 25 से 30 लाख गाने में बजट लगाया गया है। पवन सिंह के साथ में इस गाने में काम की है कोई इंसान नहीं। गाने को रिलीज करना था 25 तारीख को, लेकिन अभी ये गाना इसलिए नहीं आया है क्योंकि पवन सिंह का जो स्त्री मूवी में गाना आया था वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। बॉलीवुड में काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही है, मार्केट में काफी ज्यादा हाइप बनी हुई, इस वजह से इसको अभी रोक दिया गया है फिलहाल, क्योंकि अभी दोस्तों सही टाइम नहीं था रिलीज करने का। लेकिन दोस्तों, फिलहाल ये गाना आप लोगों के बीच में रिलीज हो रहा है और बस 1 से 2 दिन में इस गाने का पोस्टर भी आप लोगों के बीच में आ रहा है। अब चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस गाने के पीछे काम कर रही टीम के बारे में। तो प्रिंस प्रियदर्शी ने इस गाने को लिखा है और म्यूजिक जो है प्रियांशु भाई का होने वाला है। गाने को रिलीज किया जाना है आप लोगों के बीच में ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे। ये सॉन्ग एक तरीके से पूरा रंगदारी सॉन्ग होने वाला है, तो बहुत ही बेहतरीन ये गाना होने वाला है। आप लोग इस गाने के लिए रहिए तैयार। दोस्तों, नेक्स्ट धमाका जो होगा यही होगा, 1 से 2 दिन में इस गाने का पोस्टर भी आ रहा है। खैर, भोजपुरी में तो बहुत सारे एक्टर हैं जो कि रंगदारी सॉन्ग गाते हैं, लेकिन पवन सिंह का रंगदारी सॉन्ग आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। ये गाना बहुत ही स्पेशल होने वाला है दोस्तों, बनाया तो भोजपुरी लैंग्वेज में गया है लेकिन किसी बॉलीवुड से कम नहीं होगा, और बहुत अच्छे लेवल पे इस गाने की शूटिंग भी हुई है। तो बस 2 से 3 दिन का आप लोग इंतजार कीजिए, उसके बाद ये गाना आप लोगों के बीच में होगा। ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बने रहे दोस्तों चैनल के साथ।